Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying accounting ratios and the concept is proprietary ratio. Calculate proprietary ratio if total assets to debt is 2:1. Pura question achi tarah padho, then we will see and main aapko har ek bits bataunga. सबसे पहले आपके क्वेश्चन में दे रखा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो. आपके क्वेश्चन में दे रखा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज 2:1, डेट 5 लाख एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अभी निकलेगा. तो टोटल एसेट टू डेट, तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो में अगर हम डालेंगे तो दिस इज टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट अपन डेट. क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ा, इसके बाद स्टार्ट. तो टोटल एसेट निकलेगा, हमारे हमें डेट दे रखा है तो टोटल एसेट इसमें निकलेगा और रेशियो 2:1 दे रखा है. हेंस टोटल एसेट इज इक्वल टू 5 × 2 = 10 लाख. तो टोटल एसेट्स 10 लाख आ गया. इसके बाद फेयर नोट्स. नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटर्स फंड्स अपन टोटल एसेट्स. तो प्रोप्राइटर्स फंड्स आपके निकालना है और टोटल एसेट दे रखा है ऊपर, तो ये 10 लाख नीचे आ जाएगा. नाउ सी, प्रोप्राइटर्स फंड का दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड्स. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर्स फंड्स आपके होगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स गवर्नमेंट ले लेता है. अगर हमने पे नहीं करा है तो वी विल बी पेइंग इट टू द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को पे करने के बाद जो भी हमारा बचेगा दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि शेयर होल्डर्स के पैसे है. शेयर होल्डर मीन्स इक्विटी प्रेफरेंस बोथ. जब हम शेयर होल्डर्स फंड्स बोल रहे हैं, हम इक्विटी प्रेफरेंस शेयर दोनों लेंगे, नॉट ओनली इक्विटी शेयर. देन इस क्वेश्चन में इसके डिटेल्स दे रखा है. कैसे ना, डेट का 0.5 times यानी आधा इक्विटी है, यानी जो डेट है आपके, दिस इज डेट, इसका 0.5 यानी आधा इक्विटी है. तो डेट इनटू हाफ. और ये जो इक्विटी है, इक्विटी का 25% होता है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल. ये इक्विटी है, ये इक्विटी का 25% होता है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल. और नेट प्रॉफिट का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में दे रखा है रेट ऑफ टैक्स 40%. अगर प्रॉफिट 100% होता है, ये प्रॉफिट इज 100% नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अगर टैक्स 40% हमने पे करा तो 60% बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दिस 60% इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60%. तो हमारा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है. यू सी इट इज गिवन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख. तो उसका 60% इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू 60% फ्रॉम हियर, जो कि मैंने अभी अभी आपको कैलकुलेट करके बताया. क्योंकि प्रॉफिट से अगर 40% टैक्स निकल जाएगा तो 60% बचेगा शेयर होल्डर्स के पैसे. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 60%, 40% टैक्स डायरेक्ट माइनस हो गया. या आप इसका 40% निकालो, माइनस करके बोलो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो इसको डिटेलिंग करने के बाद फिर आप सारे वैल्यू पुट करो. 5 लाख का आधा, 5 लाख का 25%, 10 लाख का 60% बाई 10 लाख. नाउ कैलकुलेट, सिंपल कैलकुलेशन एंड दिस इज 0.9125:1. यानी आपको ओनली दो फिगर तक लेना है, 0.9125:1. अगर आप 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आएगा. अगर परसेंटेज में लिखना नहीं चाहते हो तो 0.9125:1. अगर आप उसको, इसको दोनों तरीके में एक्सप्रेस कर सकते हो. वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. 100 मल्टीप्लाई करो या रेशियो में दिखाओ, बोथ आर इक्वली करेक्ट. And this is all about this question.